लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से ये दावे तो कर दिए जाते हैं कि हमने बहुत अच्छे बस स्टॉप बना दिए हैं, हमने सर्विस आवाम के लिए बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये इनका मुंह बोलता है, ये सबूत है, ये बस स्टॉप आप खुद देखें, ये बैठने की जगह ये देखें, ये कितना कचरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके वादत रोड नक्शे स्टॉप पे। नाज़रीन आज मैं आपको एक ऐसा बस स्टॉप दिखाऊंगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी बस स्टॉप होते हैं। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये है नक्शे स्टॉप बस स्टॉप, ये ऊपर लिखा हुआ साइन बोर्ड पर। मैं आपको अब बस स्टॉप की हालत दिखाता हूँ, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये बस स्टॉप है, जो इधर जो लोग आते हैं, जो बस का वेट करते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो इधर कोई ठीक बैठने की जगह मुनासिब, और ना दूसरी बात ये है कि इधर इसकी ना कोई छत है, और बहुत लोग इधर परेशान है कि जब कोई बारिश हो जाए या कोई, आपको पता कि अब सर्दियों का मौसम है और सर्दी की वजह से धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये सारा ओपन है, तो लोगों को इधर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जब भी बारिश हो जाए तो इधर सारे जो स्टॉप पे खड़े होते हैं वो भीग जाते हैं, और सबसे जो प्रॉब्लम की बात है कि गर्मियों में जब शदीद धूप पड़ती है तो इसके ऊपर छत ही नहीं है। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि उसके ऊपर ये छत ही नहीं है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो पोश इलाके हैं, जैसे ये आप चले जाएँ मॉडल टाउन, चले जाएँ लिबर्टी, चले जाएँ गुलबर्ग, चले जाएँ, वहाँ पर बहुत अच्छे बस स्टॉप बना दिए गए हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से ये दावे तो कर दिए जाते हैं कि हमने बहुत अच्छे बस स्टॉप बना दिए हैं, हमने सर्विस आवाम के लिए बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये इनका मुंह बोलता है, ये सबूत है, ये बस स्टॉप आप खुद देखें, ये बैठने की जगह ये देखें, ये कितना कचरा है, लोग कैसे बैठेंगे, जिन्होंने भी इधर आना बस स्टॉप पर, ये लोग कैसे बैठेंगे, ये आप देख सकें, ये ना तो इधर कोई मुनासिब कोई जगह है बैठने की, ना कोई इधर कोई सहूलत है। दूसरी बात ये कि ये नक्शे स्टॉप पे, नक्शे स्टॉप लेके और मुल्तान रोड पे ये ऐसे ही बस स्टॉप बना दिए गए हैं, क्योंकि इधर कोई ना देखने वाला है, ना इनको कोई पूछने वाला है, क्योंकि लोग इधर बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना पड़ता है, क्योंकि ये सारे, ये आप मेरे उल्टे हाथ देख सकते हैं, ये सारी वादत कॉलोनी, इधर के सारे ये लोग इधर रिहायशी हैं, और मेरे ये आप सीधे हाथ में भी देख सकते हैं कि ये इधर भी लोग इधर रिहायशी हैं। ये इधर पास ही पंजाब फूड अथॉरिटी का दफ्तर है, जो लोग बड़ी दूर से आते हैं इधर बस स्टॉप पर, बस का अपने वेट करते हैं, लेकिन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो इधर सहूलत ही किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि दावे तो बहुत कर दिए गए हैं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से कि हमने बस स्टॉप, बसी सर्विस बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इधर बहुत ही बुरी हालत है। आप ये पूरे आप मुल्तान रोड ये आप देख लें कि ऐसे बस स्टॉप आपको नज़र आएंगे कि इनका कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अब दें हमें इजाज़त, इंशाल्लाह हम फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ मोहम्मद रिजवान मलिक, जहां न्यूज़ HD लाहौर। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।